हे गाइस, मैं हूँ स्काइल। अगर आप पोर्न वीडियोस देखते हो, अगर आप पोर्न वीडियोस के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, काफ़ी सारी बातें पता चलेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप जब भी पोर्न वीडियोस देखते हो तो एक बात को हमेशा याद रखना कि पोर्न वीडियोस रियल नहीं होते हैं, रियल लाइफ से उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जब भी आप कोई 45 मिनट की वीडियो देखते हो तो कभी ये मत सोचो कि वो 45 मिनट की वीडियो 45 मिनट में शूट हुई है। लगभग 45 मिनट की वीडियो बनाने के लिए उनको 3 से 4 दिन लगते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि वो वीडियो एक ही बार में ली गई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमेशा याद रखना, पोर्न लाइफ का रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, ये दोनों काफ़ी अलग अलग है। अगर आप पोर्न के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो तो इस चीज़ को समझ लो कि वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। एक 45 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए उन्हें 3 से 4 दिन लगते हैं। जी हाँ, 3 से 4 दिन, और आपको ऐसे लगता है कि वो एक ही दिन में वीडियो शूट हुई है। पोर्न का एडिक्शन इतना ज़्यादा बुरा है, पोर्न के एडिक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं ड्रग के एडिक्शन से। आपको पता ही है कि ड्रग्स हमारे सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है, उससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान होता है, और उस एडिक्शन को छोड़ पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सेम उसी तरह पोर्न का एडिक्शन भी उसी तरह है, उस एडिक्शन को भी छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इसे जितना ज़्यादा देखोगे, आप उतने ही ज़्यादा एडिक्ट होते चले जाओगे, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। याद रखना, पोर्न वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे नुकसान हैं। इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमेशा याद रखना, जब भी आप देखते हो, ये सिर्फ टेम्पररी प्लेजर होता है, ये सिर्फ कुछ देर की हैप्पीनेस होती है। जैसे ही देखना बंद, हैप्पीनेस ख़त्म, और देखने के बाद आपको और ज़्यादा बुरा लगता है। यानी पोर्न वीडियोस का और हैप्पीनेस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पोर्न वीडियोस देख के आपको खुशी मिलती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो हैप्पीनेस सिर्फ कुछ देर के लिए होती है, कुछ मिनट के लिए होती है, और उस हैप्पीनेस के बदले आपको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि पोर्न वीडियोस का और हैप्पीनेस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्न वीडियोस देखते हो तो इससे आप प्यार को ख़त्म कर दोगे, अपनी लव लाइफ को ख़त्म कर दोगे, अपनी सेक्सुअल लाइफ को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि हम जितना पोर्न वीडियोस देखेंगे लव में से उतना ही इंटरेस्ट कम होगा, सेक्सुअली आप उतने ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। पोर्न किल्स लव, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब जितना ज़्यादा पोर्न वीडियोस देखोगे, लव लाइफ में आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, सेक्सुअल लाइफ में आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा याद रखना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि पोर्न देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। इससे आपकी लव लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैरिज लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, आप लव लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, लव लाइफ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। इसलिए चीज़ को समझो कि लव लाइफ को अगर आप बेटर बनाना चाहते हो, सेक्सुअल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो पोर्न वीडियोस देखना बंद करो, पोर्न देखना बंद करो। पोर्न से आपको काफ़ी नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। आप कुछ देर के लिए देखते हो, लेकिन उस कुछ देर के हैप्पीनेस के लिए आपको बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके मूड पर इफ़ेक्ट होता है। आप सिर्फ कुछ देर के लिए खुश रहोगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करोगे, आपको बुरा लगेगा, और इसीलिए इन सभी के वजह से आपके लाइफ पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट होगा।
इसलिए आप पोर्न वीडियो के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो या फिर देखते हो, तो अभी खुद के लिए स्टैंड लो और पोर्न वीडियोस देखना बंद करो। जब तक पोर्न वीडियोस देखोगे तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, लव लाइफ और ज़्यादा ख़त्म होने लगेगी। चीज़ों को समझो और खुद के लिए स्टैंड लो, जो सही है उसी को चूज़ करो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। इफ़ यू वांट टू टॉक विथ मी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना।